नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन स्टैकफ्लेशन मीन्स स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तब बनता है स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हाई लेवल देखिए जब भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी ये फिलिप कव कहती है फ़िलिप कव यही कहती है व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीज़ देन इम्प्लॉयमेंट इंक्रीज अगर इम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारे देश में हमारी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है ओके और स्टैक फ्लेशन फ़िलिप की ये कव को नेगेट करते हैं और स्टैक फ्लेशन क्या कहता है कि वैन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई इट मीन्स इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है बट एम्प्लॉयमेंट कम है इम्प्लॉयमेंट वेरी लो और वेदर अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हाई लेवल तो दिस इज कॉन्ट्ररी टू दन्वें बिलीफ वैन एंड सच ए सीचुएशन फर्स्ट अरोट इकोनॉमी एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट अब सिक्स परसेंट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम एंड इन्फ्लेशन अबेंट इट मीन अन्प्लॉयमेंट रेट भी छह परसेंट है और इन्फ्लेशन भी सात परसेंट है तो ये ऐसा पहली बार देखने को मिला था 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में एंड इन मैनी यूरो अमेरिकन इकॉनमी सो दिस टुक प्लेज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल प्राइस इंक्रीज ऑफ 1973 एंड ऑफ द हायर इन्फ्लेशन तो दिस इज एक्टली स्टैक फ्लेशन द स्टैक फ्लेशन सिचुएशन कंटिन्यू टिल द अर्ली अर्लीस और कन्वेंशनल अभी हमने बात की है कन्वेंशनल थिंकिंग दैट द ट्रेड ऑफ़ एग्जिस्ट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप कर्व तो फ़िलिप कर्व ये होती है इस तरह की और इस तरफ है इन्फ्लेशन और इस तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनइम्प्लॉयमेंट कम है अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है ये फ़िलिप कर्व है बट स्टैगफ्लेशन फिलिप कर्व को नेगेट करती है एंड वाज फॉल्सिफाइड एंड सेवरल इकोनॉमी

सडन एंड द टेम्पर प्राइस राइज इन सी ऑफ द सम ऑफ द गुड क्लियर है तो so, यहां पर मैंने चीज़ गलत बोल दी uh, यहाँ पर बात ऐसी होगी कि जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करती है तो एक शॉर्ट टाइम होता है उस टाइम पर भी स्टैक प्लेशन देखने को मिलती है वेन द गवर्नमेंट शफल विद इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सडन एंड द टेम्पररी प्राइस राइज इज सीन इन समुड्स एंड सच इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टैक फ्लेशन वैदर गवर्नमेंट चेंज होती है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है प्रॉब्वसली गवर्नमेंट की पॉलिसीज तभी चेंज हो गई जो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो स्टैक फ्लेशन इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड अ हाई ग्रोथ तो ये था इन्फ्लेशन नेक्स्ट इज अशन इसमें है री प्लस इन्फ्लेशन इज अशन री इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफन डेलीबरेटली ब्रॉड बाई गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज डिमांड बाई गोइंग फॉर हाई लेवल ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ इसमें गवर्नमेंट क्या स्टेप आउट करेगी गवर्नमेंट करेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेगी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में वेरिएशन लेकर आएगी जिससे डिमांड जनरेट हो जिससे डिमांड जनरेट हो तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीस लेकर आएगी इसमें गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स क्या होंगे गवर्नमेंट गो फॉर हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी अपने टैक्सेस को कम करेगी टैक्स कट कर, इंटरेस्ट रेट कट एक्सेट्रा तो एक्स, ओके? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा पब्लिक उसके बाद टैक्स रेट कम किया जाएगा इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा एंड द फिस्कल डेफिसिट राइसिस इससे क्या होगा कि सरकार का घाटा बढ़ेगा एक्स्ट्रा मनी जनरेटेड एंड प्रिंटेड एट हाई लेवल ऑफ ग्रोथ एंड वेजिस इंक्रीज and this is almost no improvement in a unemployment. अगर ऐसा employment unemployment में improvement देखने को नहीं मिलती तो and inflation can also be understood from the different angle when economy is closing through the cycle of recession. ठीक है recession का मतलब क्या होता है कि inflation बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा employment है, high unemployment और बहुत low demand है. तो so, recession का मतलब होता low inflation, high unemployment and low demand. तो so, जब भी recession हो एंड गवर्नमेंट टेक सम इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन टू रिवाइव द इकोनॉमी और इसमें भी सरकार क्या करेगी इकोनॉमी को वापिस ट्रैक पर लेकर आने के लिए फ्रॉम द रिसशन सर्टेन गुड्स सी सर्डन एंड टेम्प्ररी इंक्रीज द प्राइसिस और दिस इज ऑल्सो कॉल द री इन्फ्लेशन तो सरकार के वही सेम स्टेप्स होंगे एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए जाएंगे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी तो दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड द री इन्फ्लेशन ओके तो इस वीडियो में हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है एक तो पड़ा पड़े स्टैकफ्लेशन तो स्टैकफ्लेशन मैंने बता दिया जब एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो और वर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ज़्यादा है बिकॉज़ फ़िलिप कव को ये फॉल्सिफाइड करते हैं और सेकेंड डेफिनेशन है रिफ्लेशन रिफ्लेशन क्या होता है गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जब हमारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है लैप्स होने पर आई हुई है तो गवर्नमेंट्स अपने स्टेप्स पर एक पम्प प्राइमिंग करेगी इसमें क्या होगा कि सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी टैक्स कम करेगी जिससे हमारी इकनॉमी वापस ट्रैक पे आ सके ओके So this is for today in this video. Thank you.